Now let's see exercise 9.4, page number 124. Question number first, already I have told you. And second, I will tell you in this video. Question number second. Convert the following into kilograms and grams. इसके पहले ने कहा following, convert the following into grams. Kilogram को grams में convert करना था पहले क्वेश्चन में. अब सेकेंड में है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. हमने आपको बताया था जब बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो नंबर दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग. जैसे किलोग्राम को ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं. आइए देखते हैं. फर्स्ट वाला है, सेकेंड का बी हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं. 3726 ग्राम. तो सॉल्व करते हैं इसको. 3726 डिवाइडेड बाय 1000. यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड कर लीजिए 3726. 1000 थ्री जा 3000 माइनस कर दें. ईयर सिक्स, ईयर टू, ईयर सेवन, कैंसल दिस वन. जो ये आपका क्वेश्चन आया था ये आपका केजी हुआ, 3 केजी, और जो रिमाइंडर बचा है ग्राम होगा, 726 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा. एक और एग्जांपल देख लीजिए. सी 2597 ग्राम. 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी. अब यहां से देखिए 2597 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी केजी? 10 ग्राम. डिवाइड कर दीजिए 1000 से. 2597 डिवाइडेड बाय 1000. आइए डिवाइड करते हैं. 2597 डिवाइडेड बाय 1000. 1000 टू जा 2000. 3 टाइम करेंगे ज्यादा हो जाएगा. ईयर 7, ईयर 9, ईयर 5, कैंसिल. इक्वेशन का आपका केजी हो गया 2 केजी, एंड रिमाइंडर आपका ये ग्राम में हो जाएगा. इसे जो आंसर होमवर्क नोट कर लीजिए. सॉल्व एक्सरसाइज 9.4, यानी कि कंप्लीट करना है. दो ही क्वेश्चन है इसमें, ए बी सी डी करके कंप्लीट. एक्सरसाइज 9.4, दिस इज योर होमवर्क. तो आज की क्लास